वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस को। आज हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। एक और दर्शक का सवाल हमारे पास आया है शिवम, जो कि जानना चाह रहे हैं एक टर्म इंश्योरेंस के बारे में। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 70 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार कैसे इसका चुनाव ये करें। हर्षवर्धन, उन्होंने डिसाइड तो किया है कि हाँ, इन्हें अब टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना जरूर है, लेकिन कोई भी टर्म प्लान लेने के लिए जो कंपनी का चुनाव है उसको कैसे किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। वेल स्वाति, अगर हम कंपनी सिलेक्शन की बात करें तो काफी पॉइंट्स होते हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। पहले है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो होता है कि हर एक क्लेम जितना कंपनी के पास आए हैं तो उन्होंने कितने क्लेम सेटल किए हैं। सो मान लीजिए एक साल में अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए हैं और उन्होंने 95 क्लेम सेटल किए हैं, तो उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वो है 95%। तो इससे एक विश्वास मिलता है कि जितनी आपको कंपनीज के पास क्लेम आई है, 95% या अबव उन्होंने क्लेम सेटल किए हैं, उतने लोगों को, उनके परिवारों को पैसे मिले हैं। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक जो पैरामीटर है वो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है, आपको कंपनी की पेरेंटेज देखनी है कि आज की तारीख में जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक पार्टनरशिप है जिसमें इंडियन पार्टनर और फॉरेन पार्टनर इंक्लूडेड हैं। सो आपको ये देखना है कि इंडियन पार्टनर कितना स्ट्रांग है और उनकी पेरेंटेज क्या है। आप मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं SBI की, हम बात कर रहे हैं कोटक की, हम बात कर रहे हैं HDFC, ऐसी कोई कंपनीज की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इनकी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका जो पेरेंटेज है वो एस्टैब्लिश्ड है, बहुत टाइम से मार्केट में है। तो इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का हमें अनुमान है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात करें इंश्योरेंस की, जो 20 या 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये जरूरी है कि वो कंपनी भी 20 या 30 साल तक एग्जिस्टेंट रहे ताकि आपके परिवार को क्लेम मिल सके। तो ये सारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने हैं और इस प्रकार से आप अपना चुनाव कर सकते हैं। और जैसे आपने कुछ कंपनीज के नाम लिए, जैसे ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, शायद कुछ ऐसे प्लान्स को ख्याल में रखना चाहिए शिवम को एक टर्म प्लान के लिए आगे बढ़ने के लिए, जो कि वो हमसे जानना चाह रहे थे। एक और सवाल हमारे पास हरियाणा से अखिलेश कुमार का आया है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये 20 साल के हैं, सालाना कम है इनके 1.5 लाख रुपए है और माँ और खुद के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। माँ की उम्र इनकी 40 साल है, इन्होंने बताया, तो कौन सा एक प्लान इनके लिए अच्छा होगा? इंडिविजुअल पॉलिसी लिए तो बेटर होगा इनके लिए। हर्षवर्धन, एब्सोल्युटली स्वाति, आपने सही कहा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इनकी खुद की एज 20 साल की और मदर की इनकी जो है 40 इयर्स की है, तो ये सूनर और लेटर इन्हें एक इंडिविजुअल पॉलिसी में ट्रांसफर करना ही होगा। और अगर ये फैमिली फ्लोटर लेते हैं तब इनकी मदर का जो प्रीमियम लगेगा वही बेसिस बनेगा उनका खुद का प्रीमियम कैलकुलेट होने के लिए। तो ये बेटर है कि वो एक इंडिविजुअल पॉलिसी लें। और अगर इन्हें बड़ा कवर चाहिए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मार्केट में आ गए हैं जो सुपर टॉपअप के नाम से हैं। सो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो बेस पॉलिसी है, जो इनकी बेसिक पॉलिसी है, वो अगर 3 लाख रुपए की लेते हैं और सुपर टॉपअप पॉलिसी जो है वो 12 लाख रुपए की लेते हैं, सो टोटल कवर इनके पास जो होगा वो होगा 15 लाख रुपए का। सो बेस पॉलिसी हम इन्हें सुझाव देंगे कि ये टाटा AIG की मेडिप्राइम पॉलिसी लें और सुपर टॉपअप जो 12 लाख रुपए का है वो L&T जनरल इंश्योरेंस की सुपर टॉपअप पॉलिसी लें। अगर ये कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो इनका जो प्रीमियम आउटफ्लो है वो इनके खुद के लिए जो होगा वो करीबन 6,100 रुपए होगा ये पूरे 15 लाख रुपए के लिए, और इनकी मदर के लिए जो 40 इयर्स की हैं उनका प्रीमियम होगा 7,400 रुपए। तो इस प्रकार ये अपना पॉलिसी ले सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए। और आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर SMS भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। इस वक्त हम आपको बताएं कि भारतीय एयरटेल के नतीजे आ गए हैं। क्वार्टर फोर में जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 24,980 करोड़ रुपए बढ़ा है, साथ ही कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,290 रुपए हुआ है और आय जो है कंसोलिडेटेड आय वो 24,980 करोड़ रुपए हुई है। भारतीय एयरटेल के चौथी तिमाही के नतीजे सामने आ गए हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,120 करोड़ से बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हो गया है।
भारतीय एयरटेल का मुनाफा बढ़ा है। क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक आय जो है वो 24,980 करोड़ रुपए रही है। क्वार्टर फोर में कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,120 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हो गया है। कंसोलिडेटेड आय की बात की जाए तो 24,980 करोड़ रुपए रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में 1,120 करोड़ रुपए से बढ़कर कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,290 करोड़ रुपए रहा है। तो भारतीय एयरटेल का मुनाफा इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो भारतीय एयरटेल में मुनाफा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो भारतीय एयरटेल के नतीजे आ गए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,120 करोड़ से बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में और आय में आय 24,980 करोड़ रुपए हुई है। तो भारतीय एयरटेल का मुनाफा बढ़ा है क्वार्टर फोर रिजल्ट्स में। जाहिर तौर पर बाजार को भारतीय एयरटेल के नतीजों का भी साफ तौर पर इंतजार था जिसमें मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 1,120 करोड़ से बढ़कर 1,290 करोड़ पर रहा है। को हेड रिसर्च उमेश मेहता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी, भारतीय एयरटेल के नतीजों पर क्या रिएक्शन देंगे आप? नंबर नतीजे से थोड़े बेहतरीन आए हैं। कंपनी ने शायद रिस्ट्रक्चरिंग मोड में थी पिछले एक दो क्वार्टर से, कुछ एसेट्स वगैरह बिक्री की है, काफी एफिशिएंसी भी ऑपरेशंस में दिखती है। और भारती एक ऐसी कंपनी है जिसने 4G रोल आउट एक फुल्ली काफी हद अपना रोल आउट किया है और ये देखना रहेगा कि जब रिलायंस जियो अपना जब लॉन्च करेगा तब किस प्रकार से इनकी स्ट्रैटेजी बैठती है, किस तरीके से कंपटीशन में ये सब सारी कंपनियां जुटेगी, तब जाके एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा तब जाके एक रुझान निकलेगा कि किस तरीके से कंपटीशन पैन आउट हो रहा है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में भारती के अच्छे नतीजे जो एक्सपेक्टेड थे मार्केट से, उस तरीके से भाव भी मार्केट पर 280-290 से बढ़ के या 370 के आसपास हो गया है। लास्ट क्वार्टर में भारती ने बॉटम किया था और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भारती 300 और 400 के रेंज के बीच में एक ब्रॉड एक रेंज दिखती है अगले 3 से 4 क्वार्टर में। कुल मिला के नतीजे अच्छे हैं, एक शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान रहेगा स्टॉक प्राइस में। तो आज भी देखा गया लगभग 4% का उछाल भारतीय एयरटेल में देखा गया है और मुनाफा बढ़ा है भारतीय एयरटेल का। क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए हैं जिसमें कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,120 करोड़ से बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हो गया है। अब क्योंकि नतीजों का सीजन है, कुछ और नतीजों का इंतजार भी यहां पर जरूर होगा, लेकिन हाँ एक आउटलुक पॉजिटिव ही देखा जा रहा है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा।